एरो आवी, एरो आवी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। अरे लेकिन मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ? हाँ, नीना का परिवार कोलकाता से दिल्ली रहने जा रहा है और वो इस बात से खुश नहीं है। क्या उसके माता पिता रेलगाड़ी के सफर में उसका मन बहला पाएंगे? चले सुनते हैं कहानी, एक सफर एक खेल। ओरिजिनल स्टोरी ऑल अबोर्ड बाय रोहिणी केजरीवाल, हिंदी में अनुवाद किया है दीपा त्रिपाठी और चित्र बनाए हैं साहित्य रानी। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। स्टोरी सुना रही है असावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी मराठी हिंदी गुजराती और अंग्रेजी कहानियां सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पे जरूर आइएगा www.books.com। चलो कहानी शुरू करें। नीना पहली बार रेल से सफर करने जा रही है लेकिन वो जरा भी खुश नहीं है। उसका परिवार कोलकाता से दिल्ली जा रहा है क्योंकि उन्हें अब वही रहना है। क्या हमें सचमुच यहाँ से जाना ही पड़ेगा? नीना ने पूछा। मेरे सारे दोस्तों सहेलियों को मेरी याद जरूर आएगी। यहाँ जैसे बढ़िया पुचके मुझे कहाँ मिलेंगे? पुचके मतलब गोलगप्पे पानीपुरी। बाबा आप कोलकाता में ही कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? परेशान मत हो नीना, बाबा बोले, तुम्हें नए साथी सहेली मिल जाएंगे और नया पुचके वाला भी मिल जाएगा। लेकिन नीना कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। रेलगाड़ी में माँ और बाबा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। कप वाली आइसक्रीम लेगी? कोन वाली आइसक्रीम खाएगी? डंडी वाली आइसक्रीम चाहिए? खीरा खाएगी? टॉफी? नहीं, मैंने मना किया ना, नीना ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। माँ और बाबा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो और क्या कर सकते हैं। फिर बाबा मुस्कुराए। मैं देख रहा हूं, बाबा ने कहना शुरू किया, ओ मेरा पसंदीदा खेल। माँ बोली, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जिसका रंग भूरा है। बाबा ने कहा, मेरे जूते? पहाड़िया? सूटकेस? माँ ने पूछा। सही जवाब है सूटकेस, बाबा तालियां बजाते हुए बोले। नीना ने किताब नीचे रख दी और उनकी बातें सुनने लगी। अब मेरी बारी है, माँ ने कहा, मुझे पीला पीला कुछ दिख रहा है। सरसों का खेत? बाबा ने जवाब दिया। मेरा हेयर बैंड, नीना बोली। ठीक बताया, ये माँ ने नीना के लिए तालियां बजाई। नीना हंस पड़ी और उनके साथ शामिल हो गई। कुछ देख रही हूं मैं नीले रंग का, वो बोली। आसमान, माँ ने कहा। कुछ भूरे रंग का देख रही हूं मैं, माँ ने कहा। वो पहाड़ी, बाबा ने जवाब दिया। और मैं देख रहा हूं कुछ सफेद, बाबा बोले। गाय, नीना ने कहा। मैं कुछ देख रही हूं जो है हरा हरा, नीना बोली। घास, माँ और बाबा एक साथ बोले। मुझे कुछ काले रंग का दिखाई दे रहा है, माँ ने कहा। कौआ, नीना बोली। मुझे एक लंबा सा जानवर दिख रहा है जिस पर भूरे रंग के धब्बे हैं, बाबा ने कहा। क्या तुम्हें तेंदुआ दिखाई दिया? माँ ने पूछा। नहीं, जिराफ, बाबा ने कहा। नीना खिड़की से बाहर देखते हुए चिल्लाई,
भारत में जिराफ नहीं होते, आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं बाबा। नीना का इतना कहना था कि सब खिलखिलाकर हंसने लगे। बाबा और माँ ने एक कंबल सीट पर बिछाया, फिर हवा वाले एक तकिए को फूंक कर फुलाया। क्या ये खेल हम दिल्ली पहुंचकर भी खेल सकते हैं? नीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर बोली, मुझे मालूम है कि नई जगह पर ये खेल खेलने में तो और भी मजा आएगा। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।